या पीएमसी तो हम लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन जो हमारी संपत्ति थी, जायदाद थी, उसको हम फिर से उसको सुदृढ़ करने में लगे हुए। और ठाकुरगंज में उसको सुदृढ़ करेंगे, मंडी वहां आपकी होगी, वो अनानास की मंडी होगी। अब तो आप यहाँ वो क्या फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, उसकी भी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। आप तो इस प्रकार की खेती करने वाले जो किसान हैं, वो आप लोगों ने अनुपम और महारत हासिल की। लोग सोचते हैं कहाँ आप पहले उसको पैदा करने लगते हैं। अब अनानास आपने पैदा करना यहाँ शुरू किया और दूसरे राज्य के हिस्से में अनानास जाने लगा, वहां लोग प्रयास करने लगे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं किशनगंज में पैदा हुआ, हमारे यहाँ भी पैदा हो जाएगा, और वही रहा करने लगे। अब ड्रैगन फ्रूट भी आप करने लगे हैं, ये भी पहुंचेगा। तो आप सब मेहनती किसान हैं, यहाँ के धरती के इस मिट्टी के लोग, आप सब कुछ जानते हैं। आप केवल पैदा करना नहीं जानते, उत्पादन नहीं जानते, आप उत्पादन का खपत भी जानते हैं, उसकी अच्छी मार्केटिंग भी जानते हैं। आप सब प्रकार से संपन्न हैं, समृद्ध हैं, विचारों से, तौर तरीकों से, इसलिए आपको कठिनाई नहीं होगी। और आपके साथ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी, कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने वाली है। चाय को जो पहचान मिली, और आगे फिर आप देखेंगे कि बोर्ड में आपके प्रतिनिधि भी होंगे, आगे आपने जो सवाल उठाया है, सरकार चाय नीति भी बनाएगी और सब प्रकार के सुविधाओं को जो हम दे रहे हैं। आज हम गए थे एक चाय बगान देखने, राजकरण जी का, देख के मन प्रसन्न हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दार्जिलिंग में नहीं हूँ, मौसम भी ऐसे ही खुशगवार था, और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत चाय बगान, मन तो प्रसन्न हो गया। और राजकरण जी को, उनके परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, और गर्व के साथ कहते हैं कि चाय की मुकम्मल शुरुआत हमने शुरू की। तो आप कहते हैं, तो कोई आपके इस कथन से अस्वीकार भी नहीं करता।